हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर पीपी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दीपक नाइट्रेट शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चार्ट को ओपन किया है दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे हम जो एनालिसिस करें 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस ऊपर हम करेंगे। अभी यहाँ पे आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो यहाँ पे रिसेंटली टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिला है, डबल टॉप। और जैसे इसका जो नेकलाइन था, इसका यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, काफी अग्रेसिव यहाँ पे सेल अप देखने को मिला है। और इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हमने रिसेंट टाइम में यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन किया था। इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल जो करंट ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर, इसे यहाँ पे हमें देख लेना है। अभी लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं, हम पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न है। और उसी के अंदर यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम चैनल के अंदर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इमीडिएटली यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर इस डॉटेड लाइन के अलोंग है, और डाउन साइड में जो सपोर्ट लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो ट्रेंड लाइन, इसके अलोंग यहाँ पे हम सपोर्ट को एड कर रहे हैं। और उसी के अलोंग यहाँ पे हम अपसाइड की मोमेंटम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या पॉसिबल बन सकती है, यहाँ पे हम देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा इम्पल्स मोमेंटम देखने मिली। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम पुल बैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स पोल एंड फ्लैग का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकआउट के ज्यादा चांसेस है, लेकिन जो प्राइजेशन स्ट्रक्चर, इसे हमें यहाँ पे पहले फॉर्म हो देना है, उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। अगर पर्टिकुलर इस पैटर्न का यहाँ पे हमें डाउन साइड में ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, पर्टिकुलर स्विंग के नीचे, तभी जाके हम यहाँ पे अग्रेसिव सेल साइड की पोजिशन को इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ब्रेकडाउन कैंडल का हाई, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा। और जो सेकंड टारगेट रहेगा, जो प्रीवियस टाइम का यहाँ पे हमने लो का फॉर्मेशन किया है, यहाँ तक भी हम आ सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें ट्रेड को प्लान करके चलना है, 1:1, 1:2। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर हम इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करते हैं, टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर हम अपसाइड में ब्रेकआउट कर जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे हम कम क्वांटिटी में भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि वापस हम इस लेवल तक भी हम आने की कोशिश करेंगे। तो उस अलोंग यहाँ पर हमें काफी अच्छा सा ट्रेड सेटअप दोनों बोथ साइड यहाँ पे देखने मिल सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी जो भी है, हमारे जो ट्रेड की एक्सपेक्टेशन है, अप टू प्राइस एक्शन फॉर्मेशन, यहाँ पे हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। ब्लाइंडली कहीं भी हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर है उसे हमें पहले फॉर्म हो देना है, उसके बाद हम एंटर करेंगे। इधर बाय साइड या सेल साइड, बोथ साइड पॉसिबिलिटीज बन रही, लेकिन जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वीक देखने को मिल रहा है। जो इनवर्स पोल एंड फ्लैग है वो एक वीक पैटर्न है, जो बेरिश पैटर्न फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।